जय बजरंग बली की। दोस्तों शरद पूर्णिमा अन्य सभी पूर्णिमाओं में सबसे अधिक महत्व रखती है। इस दिन आकाश में चंद्रमा अपनी संपूर्ण 64 कलाओं से विद्यमान होता है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। शरद पूर्णिमा को बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन माता महालक्ष्मी स्वयं विचरण करती है धरती पर। आज की इस वीडियो में हम आपको 15 ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनका आपको शरद पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपके घर में भी सुख शांति और समृद्धि आए और किसी भी प्रकार से आप माता महालक्ष्मी का अनादर ना कर सके, ताकि वह आपसे कभी रुष्ट ना हो और आपके घर में हमेशा ही विद्यमान रहे। तो दोस्तों आइए जानते हैं वे 15 बातें जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए और माता महालक्ष्मी को हमेशा प्रसन्न करके अपने घर में विराजमान रखना चाहिए। इससे पहले बस आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दें जय बजरंग बली, जय माता दी। दोस्तों शरद पूर्णिमा को आपको बिल्कुल भी देरी से नहीं उठना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है, इस दिन आपको बिल्कुल भी देरी से नहीं उठना चाहिए। अगर संभव हो तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अक्सर लोग देखा गया है कि उठने के बाद अपना मोबाइल या फिर अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। इसकी बजाय आपको सुबह उठने के बाद अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाना चाहिए और सुबह जब भी आप जल्दी उठ जाएं तो आपको स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाना चाहिए। यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति अक्सर देरी से उठते हैं या फिर जल्दी भी उठ जाए तो स्नान आदि करने के बाद वे अपने पुराने कपड़े ही धारण कर लेते हैं। इसके विपरीत शरद पूर्णिमा के दिन आपको स्वच्छ वस्त्र ही धारण करने चाहिए और अपने आराध्य देव को नहा धो करके उन्हें भी स्वस्थ वस्त्र वेशभूषा अवश्य ही पहनानी चाहिए। अगर आप अपने आराध्य देव, जिसको भी आप अपना आराध्य मानते हैं, अगर उनकी आप तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बाजार से जनेऊ लाकर उन्हें धारण करवा देना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात बहुत ही खास होती है, वहीं पूरा दिन भी बहुत ही खास होता है। इसीलिए जिस किसी भी भगवान को आप मानते हैं, जो भी आपके आराध्य देव हैं, उन्हें केवल नित्य पूजा ही नहीं, उन्हें इसके शरद पूर्णिमा के दिन उन्हें आसन भी देना चाहिए। इसके लिए आप एक लाल रंग का कपड़ा ले और जो भी तस्वीर या मूर्ति का इस्तेमाल आप करते हैं, आप उसे बिछाकर उसके ऊपर उनकी तस्वीर मूर्ति आदि रखें और उसके बाद ही उनकी पूजा करें। पूजा करने के लिए अम्ब, आचमन, वस्त्र, गंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप और कुछ भोग भी आप अवश्य लगाना चाहिए। तांब मूल, सुपारी ये अवश्य देनी चाहिए और साथ ही साथ चाहे 1 रुपए का ही सिक्का दें, लेकिन कुछ सिक्के के रूप में आपको दक्षिणा भी अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों जो अभी हमने आपको सामग्री बताई, यदि आपको समझ नहीं आ रही है तो आप इसे लिख ले और आप किसी भी पूजा के दुकान पर जा करके ये सभी का नाम अगर उन्हें दिखाएंगे तो वो आपको सभी चीज दे देंगे। इसके अलावा दोस्तों गाय के दूध से बनी हुई खीर में घी और शक्कर मिला करके मीठी पूरियां से भगवान को आधी रात को भोग लगाना चाहिए। अगर आप इस दिन व्रत रख रहे हैं तो आपको इस दिन कथा भी अवश्य सुननी चाहिए और कथा सुनते वक्त एक लोटे में जल और एक गिलास में गेहूं भरकर रख लेने चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं और अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो ये उपाय आप तब भी कर सकते हैं। इसके लिए बस आप एक लोटे में शुद्ध जल भर लें और उसमें थोड़ा गंगा जल डाल करके उसे अपने पास रखें और एक गिलास में गेहूं के दाने भर लें और उस गिलास के ऊपर और लोटे के ऊपर रोली से तिलक लगाएं और कुछ चावल का चढ़ावा दें। इस प्रकार से आप लोटे की और गिलास की वंदना करें और उन्हें थोड़ी दक्षिणा भी दें। इसके बाद दोस्तों जो आपने एक गिलास में गेहूं के दाने भरे हैं उसमें से आप 13 दाने अपने हाथ में उठा लें और अपने हाथ की मुट्ठी बंद करके अगर आपने व्रत किया है या फिर नहीं भी किया तो व्रत की कथा सुने। जब कथा पूर्ण हो जाए तो आप गिलास के ऊपर अपनी बंद मुट्ठी को 5 बार घुमाएं और जिस किसी से भी आपने कथा सुनी है उसके चरणों को स्पर्श करते हुए यह गेहूं का गिलास और वह 13 दाने गेहूं के उन्हें अर्पण कर दें और जिस लोटे में आपने गंगा जल डाला था उस लोटे से आपको रात को चंद्रमा को अर्घ देना है और उसी में थोड़ा सा जल बचा ले और बाकी बचे हुए जल को अपने पूरे घर में छिड़क दे। चंद्रमा का अर्घ देने से उसमें माता लक्ष्मी के कर्ण विद्यमान होते हैं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और चंद्र देवता का आशीर्वाद आता है, इसीलिए इसे पूरे घर में छिड़कना अनिवार्य होता है। इससे पूरे घर पर आपके घर में माता लक्ष्मी का और चंद्र देवता का आशीर्वाद हमेशा के लिए बना रहता है और हमेशा के लिए लक्ष्मी आपके घर में विद्यमान रहती है। अंत में सभी श्रद्धालुओं को
प्रसाद भी अवश्य वितरण करना चाहिए। चांद की रोशनी में सुई में धागा अवश्य पिरोना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी के लिए हमेशा ये लगता है कि हर कोई व्यक्ति उनके लिए जाग रहा है, इसीलिए वह आपके घर में एक बार भ्रमण करने अवश्य आती है। वहीं अगर आपने इस लोटे के जल वाला उपाय किया है तो यह समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी का एक अंश हमेशा के लिए आपके घर में ही विद्यमान हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, निरोगी रहने के लिए जब पूरा चांद आकाश के बीचों बीच दिखाई दे रहा हो तब उसका पूजन जरूर करना चाहिए, और रात को ही खीर से भरी हुई कटोरी या फिर जिस भी बर्तन में आपने खीर रखी है उसे एक जाली से ढक करके खुले चांद की रोशनी में अवश्य रख देना चाहिए, और दूसरे दिन ही इसका प्रसाद के रूप में भोग लगाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और प्रसाद के रूप में वितरण भी करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वे कुछ बातें जिनका आपको खास रूप से ध्यान रखना चाहिए, वरना आपको माता लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देह में जाते धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय माता दी, जय बजरंगबली।